ज्या ज्या वेळेस काही घटना घडत असतील त्या त्यावेळेस हाजी साहेब अगोदरच मला फोन करून सांगायचं की असं या पद्धतीने असं झालं नको पाहिजे. माझा एरिया खूप स्लम असल्यामुळे वारंवार या सर्व गोष्टींची मला अडचण यायची. त्या त्यावेळेस वडील तिच्या नात्याने धावून यायचे आणि मदत करायचे. आज हिंदू मुस्लिम समाजातील जळगाव जिल्ह्याचा सर्वात मोठा दुवा हाजी साहेब होते आणि ते गेल्याने ही न भरून निघणारी पोकळी इथं निर्माण झालेली आहे. जळगावचे गांधी गेले अशा शब्दात मी असं वर्णन हाजी साहेबांचं करेन. जिल्ह्यातील नाथाभाऊ असतील, संतभाऊ असतील, आमदार अनिल भाईदास असतील, सतीश अण्णा असतील, गुलाबराव देवकर असतील, हे सर्व नेत्यांशी त्यांचे जवळीक संबंध होते. प्रत्येक गावात प्रत्येक तालुक्यात हाजी साहेब आले पाहिजे, हाजी साहेबची भेट झाली पाहिजे ही भावना जनसामान्यांची होती. ग्रामीण भागाशी त्यांची नाळ जुळली होती. अशा महान नेत्यास आम्ही मुकलो आहोत, त्यांच्या मार्गावर मुकलो आहोत. जिल्हा राष्ट्रीयच्या वतीने, तमाम जनतेच्या वतीने मी त्यांना भावपूर्ण आदरांजली व्यक्त करतो. काल अचानक रात्री फोन आला आणि हाजी साहेबांचं जे दुःखद निधन झालं त्याच्यावर तर विश्वासच बसत नाही आहे. आज रोजी समाजकारणातला आणि राजकारणातला कधीही पोकळी भरून निघणारा असा नेता आपण आज रोजी गमावलेला आहे. अशा नेत्यास, मितभाषी नेत्यास मी श्रद्धांजली अर्पण करतो. पिछले 50 सालों से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं. हमें इस बात का फख्र है कि गफ्फार भाई, सभी जानते हैं कि उनके माजी में किन हालात से वो गुजर रहे थे. उन्होंने अपने दोस्तों और अपने साथियों के कहने पर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की. एक टीचर की फैमिली को एक टीचर की तनख्वाह कहाँ पुर सकती है. उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया. आज हाजी साहेब आमचे गफ्फार मलिक जी या जिल्ह्यामध्ये तपोकटी निर्माण झालीच, परंतु महाराष्ट्राचा अल्पसंख्याकांचा एक मोठा नेता ज्यांनी पायाला भिंगरी लावून अल्पसंख्याकांचे प्रश्न सोडवले असा नेता आमच्यामधून आज हरवला आहे. याचं दुःख आम्हाला सर्वांना आहे आणि याचं दुःख पेलण्याचा त्यांच्या परिवाराला शक्ती देव अशीच मी प्रार्थना करतो व त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करून आदरांजली वाहतो आणि नमस्कार. हमारा उनका जो साथ है, बड़ी बड़ी मुसीबतों में हमने एक दूसरे का साथ दिया और गफ्फार भाई की जो एक डेयरिंग और जो मसाइल के साथ में जूझना, ये जो उनका एक शैली रही, शायद उन्होंने इसी बहादुरी को तदब्बुर में तब्दील नहीं किया. और उन्होंने कभी भी, दो उनकी एंजियोप्लास्टी होने के बावजूद भी, उन्होंने कभी अपने आप को ये महसूस नहीं किया कि वो मरीज़ है. कोरोना पर उन्होंने ऐसी मात दी कि जैसे कोरोना उनको हुआ ही नहीं. हम सोच नहीं सकते थे कि इस तरीके से गफ्फार भी अचानक हम में से निकल जाएंगे. एक बहुत बड़ा खला आज पूरे ज़िले में, पूरे महाराष्ट्र में यहाँ पर हो चुका है. हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करें, उनकी मग़फ़रत करें, उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाएं. तमाम हिंदू मुस्लिम आज जिस तरीके से, तमाम पाबंदियां होने के बावजूद भी, जिस जज्बे के साथ में आज यहाँ पर मौजूद है, मैं समझता हूँ ये रुतबा शायद बहुत कम लोगों को मिलता है. मैं उनके लिए दुआ करता हूँ. जैसे इकरा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ उससे पहले से भी मेरे इनसे ताल्लुकात रहे और जो डेवलपमेंट रहा इकरा का, उसमें हाजी साहब का जो है लायंस रहा. हाजी साहब की शख्सियत जो है ये बड़ी शानदार शख्सियत थी. यानी मर्द आहन कहेंगे तो मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं होगा. इनके बड़े जो है मजबूत आसाब थे. कभी भी कितनी भी बड़ी मुसीबत आई, चाहे वो जोग साहब की मुसीबत हो, चाहे उनके मिसा की मुसीबत हो, किसी भी मुसीबत से उन्होंने घबराया नहीं, बल्कि उन्होंने बड़े जो है दिलेरी के साथ जो है उससे मुकाबला किया और हमारे साथ जुड़े. तब से वो दीनदारी में भी जो है नंबर एक की सफ़ में थे. अल्लाह ताला जो है उनको जन्नत नसीब करे और उनके अहले खाना को सब्र अजीम से नवाजे. वो किसी ने खूब कहा था कि बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते हैं.